ప్రియాం లక్ష్మీం ప్రియ సఖీం దేవీం నమామ్యచ్యుతవల్లభాం నారాయణ సమారంభాం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మద్ ఆచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం. అజ్ఞానాంధస్య లోకస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురుల్మీలితం యేనో తస్మై శ్రీ గురవే నమః. మేరా పరిచయ तो मैं पुना से आया हूं. पुना में हमारी वेद पाठशाला है. ऋग्वेद दश ग्रंथ का अध्ययन वहां किया जाता है. 70 साल से वहां ये लगातार कार्यक्रम चलते आ रहा है. आज बहुत सद्भाग्य से भगवत कृपा से मुझे यहां ब्रह्मोत्सव में व्याख्यान देने की समय मिला है. मैं सभी महानुभवों को धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे यह समय दिया, क्योंकि वैदिक परंपरा में अध्ययन करने के बाद वेद मंत्र पठन का अनुभव होता है, प्रवचन करने का अनुभव वैदिकों को कम होता है. आप लगातार 24 घंटा वेद पठन करने को निमंत्रण दिया तो हम कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट प्रवचन करने का समय मिला तो हमें कठिन जाता है. लेकिन पिछले 5-7 साल से मैं मंत्र पठन के साथ थोड़ा प्रवचन करने का भी प्रयास कर रहा हूं. इस ब्रह्मोत्सव में मुझे ये समय मिला है तो विषय बहुत कठिन है. विश्व शांति के लिए वेद मंत्रों का महत्व ये विषय है. इस विषय पर मैं आज आपके सामने कोई विचार रखने का प्रयास कर रहा हूं. ऋग्वेद में तो शांति पाठ के मंत्र बहुत है. हम सायंकाले विश्वकाल के विश्व में शांति होने के लिए हमारे यहां हर रोज शांति सूक्त का पठन करने का पहले से एक परंपरा है. उस परंपरा का आज मैं शांति सूक्त पठन करके शुरुआत करता हूं. हरिः ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद वृधे असन्न प्रायवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासो मतिररोजो यतान దేవానాం రాతిరభినో నివర్తతాం దేవానాం సఖ్యముపసేదిమా వయం దేవాన ఆయో ప్రతిరంతు జీవసే తాన్ పూర్వయాని విదాహో మహే వయం భగం మిత్రమదీతిం దక్షమశ్రిధం అర్యమణం వరుణం సోమమశ్వినా సరస్వతీ నుభగామయస్కరత తన్నో వాతోమయో భువాతు భేషజంతనమాత పృథివీ తత్పితాద్యౌ తద్గ్రావాణ సోమసుతో మయో భువస్తదశ్వినా శృణుతన్ధిష్ణ్యాయువం తమీశానంజగతస్తస్తుషస్పతిన్ దియంజినవమవసే హోమహే వయం పూషానో యథా వేద సామసద్వృధే రక్షితాపాయురదబ్ధస్వస్తయే. యే ఋగ్వేద్ కే శాంతి సూక్త కా పహలా కోయి మంత్ర పహలే పఠే పఠన్ కియా హే. पूरे विश्व में शांति तो सबको चाहिए. किसी ना किसी कारण हर जीव शांति के लिए प्रयास कर रहा है. शांति के साथ अशांति भी रहती है. जब अशांति बढ़ जाती है तो शांति की कीमत क्या है ये हमारे ध्यान में आना शुरू होता है. शांति को क्यों निकल जाती है? जो विहित कर्म से हम जब दूर जाते हैं, हर जीव को अपने आप को विहित कर्म
भगवान ने जन्म के पहले ही जन्म के बाद अपना अपना जो विहित कर्म है वो दिया है। जो विहित कर्म करने से हम दूर जाते हैं, जो हमें जो कर्म दिया है, ब्राह्मणों को सुबह उठ के स्नान संध्या करना, उसके बाद वेदाध्ययन करना, उसके बाद अध्यापन करना, उसके बाद वेद की उपासना करना, और ये किसी लिए करना, पूरे विश्व में जितने जीव है उनका जीवन अच्छे ढंग से चलने के लिए हमें प्रार्थना करना है। शांति के शांति चाहिए, इसीलिए वैदिकों को हर दिन, क्योंकि संकल्प जब वैदिक करते हैं, हमारे यहां संकल्प कौन से भी अनुष्ठान शुरू करो इसमें पहला संकल्प का उच्चारण होता है। ये मैं क्यों कर रहा हूं, इसका कारण क्या है, मैं कौन हूं, ये सब संकल्प करके हम सर्वारिष्ट शांति अर्थे ऐसा संकल्प करके कौन सा भी अनुष्ठान या मंत्र पठन या अध्ययन अध्यापन शुरू करते हैं। जब वैदिक ऐसा संकल्प करते हैं तो पूरे विश्व के लिए वो उनका संकल्प का महत्व होता है, क्योंकि सर्वारिष्ट शांति अर्थे यानी पूरे विश्व में जितने जीव है उसमें मनुष्य तो है ही, लेकिन मनुष्य छोड़कर बहुत जीव है, उनको शांति मिलने के लिए, उनका जीवन सहज होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं सर्वारिष्ट शांति अर्थे। तो इसीलिए शांति की संकल्पना, शांति का कार्य जितना जितना वेद में कहा है उसमें और किसी भी नहीं सोचा ही नहीं है। हर वेद में शांति सूक्त हो है ही, शांति का कर्म, शांति का जो विषय है वो हर वेद में, हर मंत्र में है, क्योंकि जो विहित कर्म है वो विहित कर्म हम जरूर करेंगे तो शांति तो मिलती है। जब शांति होती है तो पूरा सहजीवन हमारा अच्छा चलता है। आज पूरे विश्व में आप कहां भी जाइए शांति बहुत कम हो रही है, देश हो विदेश हो सब जगह हमें कुछ चाहिए, और जब चाहिए आता है तो अशांति शुरू हो जाती है। जो भगवान ने हमें दिया है वो काफी है, वो मेरे भाग्य से प्राप्त हुआ है, उसको पकड़ के आगे जाना, ये विचार मन से दूर हो जाता है तो शांति कम होनी शुरू हो जाती है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा मन में जब विचार आता है तो अशांति की शुरुआत हो जाती है। और इसी सबके लिए वैदिक विद्वानों की एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वेद तो सारे विश्व के लिए है, अध्ययन हम करते हैं, वेद का अध्ययन अधिकार अनुसार हम करते हैं, जिसका ऋग्वेद है वो ऋग्वेद का अध्ययन करता है, जिसका यजुर्वेद है वो यजुर्वेद का अध्ययन करता है, क्योंकि उसमें थोड़ा विषय यह है ऋग्वेद का संस्कार, उपनयन संस्कार जिसके ऋग्वेद से यानी अश्वलायन सूत्र से होता है उसको ऋग्वेद पढ़ने का अधिकार होता है। आप ये मत सोचिए कि हम किसी भी वेद का अध्ययन कर सकते हैं, किसी भी वेद का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन हमें जो जन्म मिला है, जिस कुल में जन्म मिला है, जिस वेद के हम है, उस वेद का अधिकार उपनयन से हमें मिलता है, और स्वशाखीय अध्ययन करने के बाद हम दूसरे शाखों का अध्ययन पुनरुपनयन करके कर सकते हैं। ये वेदाज्ञा का अध्ययन पालन करेंगे तो हमारे शांति मंत्र में बहुत शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए जो जिस हमने सूत्र से हमारा उपनयन किया है उस सूत्र का अध्ययन करके जब हम वेद मंत्रों का और वेद शाखों का अध्ययन करेंगे तो हमारे मंत्र में एक विशिष्ट शक्ति आती है। विशिष्ट शक्ति आती है वो कैसी होती है, विशिष्ट शक्ति का अर्थ यह है कि जब हम शांति सूक्त का पठन करेंगे तो हमारे मन में कोई संदेह भी नहीं आना चाहिए कि हमने शांति सूक्त का पठन किया है तो अभी शांत होगी या अशांत होगा। जब वैदिक विद्वान शांति मंत्र का पठन करते हैं और पठन करने के बाद वो मंत्र में इतनी शक्ति है कि शांति आना ही चाहिए, आने ही चाहिए, तो इसीलिए
शांति सूक्त का और विश्व में शांति के लिए वेद का अध्ययन और वेद का अध्यापन बहुत जरूरी है। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि विप्र जो ब्राह्मण है वो तो युद्ध नहीं कर सकते हैं, उनका युद्ध का विषय ही नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों की, वैदिक विद्वानों की जिम्मेदारी क्या है? वो युद्ध के बिना सभी विश्व में शांति निर्माण करने के लिए अपने मंत्रों का प्रयोग करके, अपने मंत्रों का उपयोग करके, ये जो संकल्पित शांति है जो हम चाहते हैं, शांति तो सबको चाहती है, शांति के बिना हमारा जीवन चलेगा भी नहीं। तो इसीलिए शांति चाहिए, विश्व के लिए शांति चाहिए, तो हमें मंत्रों का उच्चार करना बहुत जरूरी है। और मंत्रों का उच्चार करने के लिए जो शक्ति होनी चाहिए वो ब्राह्मणेन निष्कारणेन षडंगो वेदोद्येतव्या ज्ञेयश्च, यानी अध्ययन करना और उसका अर्थ भी पढ़ना, ये हम जब करें परंपरा से के साथ करेंगे तो हमारे मंत्रों में शक्ति प्राप्त होती है। और शक्ति इतनी होती है कि शांति तो चाहिए, वेद में शांति है, वेद का पठन करने के बाद शांति है, लेकिन केवल शांति से कुछ काम नहीं होता है, शांति के बाद अच्छा धन मिलने के लिए चाहिए, देश चलाने के लिए कुछ हमें चाहिए। तो इसीलिए मंत्रों का विनियोग करना और मंत्रों का विनियोग करने के बाद शांति और पूरा हमारा विश्व अच्छी ढंग से चलता है। विद्यार्थी सब मेरे सामने हैं जो परंपरा के अनुसार इस पवित्र भूमि में चार ही वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। ये बहुत भाग्यशाली विद्यार्थी है वो जो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। इनके जो गुरु है वो गुरु परंपरा से इनको वेदों का अध्ययन पढ़ाते हैं। ये बहुत भाग्यशाली है, इस पवित्र भूमि में आप वेद पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन अध्ययन करने से काम नहीं चलेगा। जब अध्ययन करने के बाद अपने अपने पूर्व स्थान पर हम चले जाएंगे तो आप वेदों का विनियोग किस लिए करेंगे, ये भी विचार करने का विषय है। क्योंकि हमारी एक परंपरा है कि मंत्रों का अनुष्ठान करने से मंत्रों में बल प्राप्त होता है। जब गुरु से हम अध्ययन करते हैं तो गुरु द्वारा हमें जब मंत्र का पठन होता है तो गुरु की जो शक्ति है मंत्रों की वो हमारे बीच में आती ही है, ये विश्वास है। वो कोई गुरुजी जो अध्यापक है वो कोई मामूली नहीं है, वो परंपरा से उन्होंने अध्ययन किया है तो वो उनका मंत्र की शक्ति हमारे साथ संक्रमित होती है। ये परंपरा विश्व से शुरू है, क्योंकि वेद तो अपौरुषेय है, वेद तो अनादि है, वेद को कोई कालगणना नहीं है, वेद किसी ने लिखे नहीं है, ये परंपरा हमारी है। और उस परंपरा से जिस दिन वेद का दर्शन हुआ उस दिन से आज के दिन तक वेद पाठशालाओं में, पूरे भारत में वेद पाठशालाओं में विद्यार्थी गुरु द्वारा मंत्र पठन कर रहे हैं, इसीलिए परंपरा बहुत बड़ी है। लेकिन अध्ययन के बाद हमारा दायित्व क्या है, हमें क्या करना चाहिए, उसमें सो कर्मकांड एक भाग है, जरूर है। लेकिन जब कर्मकांड का होता है तो मैंने शुरू में ही कहा कि ये वैदिक कर्म जो है ना, जो वैदिक कर्म उसमें संकल्प है, उसमें दो विषय है, एक सगुणोपासना और एक निर्गुणोपासना। जब गायक जो गाना शास्त्रीय गायन गाता है वो जब रियाज करता है तो वो भगवान को प्राप्त होता है, और जब मन से वो गाना गाता है वो सामने वाले लोगों को दिल से वो सुनते हैं, उनको आनंद सामने वाले लोगों को मिलता है, और जब वो रियाज करते हैं तो वो रियाज द्वारा वो भगवान को वो रियाज देते हैं। वैसी ही हमारी परंपरा है, हमारे जो मंत्र है वो मंत्र में सामर्थ्य बनने के लिए, सामर्थ्य रहने के लिए,
हमें अध्ययन के बाद ज्यादा से ज्यादा उसकी आवृत्ति करना भगवान के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम हमारे लिए रिवीजन वेद की नहीं करते हैं तब तक हमारे वेद मंत्र में सामर्थ्य नहीं रहता है। इसीलिए वेद पाठशाला में जो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं उनको हर दिन आवृत्ति करना है, कि जब अध्ययन खत्म होगा, उनका अध्ययन समाप्त होगा, उसके बाद वो जब अपना काम शुरू करेंगे, अपना कार्य शुरू करेंगे, तो उनके मंत्र में जो शक्ति है, हम विष्णु भूमि में बैठे हैं, विष्णु पुराण में कहा है मंत्राधीनं जगत सर्वम मंत्राधीनं च दैवतम ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना ब्राह्मणो मम दैवतम। जो ये जो विश्व चल रहा है वो अपने अपने सुकृत के अनुसार चल रहा है, दैवाधीनं जगत सर्वम, ये दैव के अधीन सब चल रहा है, मंत्राधीनं च दैवतम, मंत्र के अधीन दैवत है। हमारे जब वैदिक विद्वान मंत्र का पठन करते हैं तो मंत्र में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि हम विष्णु की आराधना करेंगे, विष्णु को संकल्प पूर्वक हम निमंत्रित करेंगे तो भगवान विष्णु वहां प्रत्यक्ष आकर हमें आशीर्वाद देंगे, इतना मंत्र में सामर्थ्य होना चाहिए। दैवाधीनं जगत सर्वम मंत्राधीनं च दैवतम ते मंत्रा, ये जो मंत्र हम सब अभी शुरू चार ही वेदों का पठन हुआ, आज ये चार ही वेदों का सुबह पठन सुनकर मुझे बहुत अच्छा आनंद, बहुत आनंद हुआ। ये कोई मेरा पूर्व सुकृत अच्छा है कि हमें यह निमंत्रण देने के लिए निमंत्रण दिया और इस विषय में प्रवचन करने के लिए आज्ञा कर दिया। तो हम जो मंत्र पढ़ रहे हैं परंपरा के अनुसार, वो ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, जो वैदिक विद्वान परंपरा के अनुसार गुरुकुल में जाकर अध्ययन करते हैं उपनयन के बाद, क्योंकि उपनयन जो होता है उसके लिए भी संकल्प है, उसके पिता यानी जो उपनयन करते हैं वो बोलते हैं संकल्प में द्विजत्व सिद्ध्या वेदाध्ययनात् अधिकार सिद्ध्यर्थम। आज जो मैं बच्चे का उपनयन संस्कार कर रहा हूं उसका द्विजत्व सिद्ध्या, द्विजत्व यानी आप मेरी सभी विद्यार्थियों को एक नम्र निवेदन है, आप वेद का अध्ययन जरूर करें, वेद का अध्ययन करना बहुत जरूर है, क्योंकि हमें कंपलसरी है उपनयन के बाद वेद का अध्ययन करना। लेकिन ज्ञेयस्य जो विषय है तो ज्ञेयस्य यानी उसके अर्थ क्या है, उसमें वेदाध्ययन किसी कारण किया, वेद मंत्र में क्या है, वेद मंत्र का अनुष्ठान करने से क्या है, गायत्री पुरुष शरणम करने का फल क्या है, ये सब समझने के लिए उसका मंत्रों का अर्थ का ज्ञान होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो द्विजत्व सिद्ध्या वेदाध्ययनात् अधिकार सिद्ध्यर्थम, द्विज यानी ये जब उपनयन जिसका होता है उसका दूसरा जन्म शुरू होता है, उसके माता के द्वारा जो पहला जन्म होता है वो पहला जन्म होता है, और जब उसको ब्रह्मोपदेश उपनयन में गायत्री मंत्र का उपदेश होता है तभी उसका दूसरा जन्म कहा है। इसीलिए वेद जितना अध्ययन किया है उसके बारे में जब हम पुराण का अध्ययन करेंगे तो ऐसे वैदिक विद्वानों को उन्होंने द्विज श्रेष्ठ बोला है, यानी भगवान विष्णु आपको उनके ही ऊपर मानते हैं, इतनी हमारी वेद अध्ययन करने के बाद हमारा श्रेष्ठत्व इतना बढ़ जाता है कि आपको भूदेव बोलते हैं, भूदेव यानी पृथ्वी पर रहने वाले आप साक्षात परमेश्वर है, ये भगवान विष्णु कहता है। तो इसीलिए हम जब मंत्र ग्रहण करते हैं और मंत्रों का उपयोग करते हैं तो उसके साथ हमारी नित्य उपासना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संकल्प किया है इस विश्व में शांति होना चाहिए, हर का जीवन एकदम अच्छी रूप से चलना चाहिए, ये वैदिक विद्वानों ने प्रार्थना की है।
तो ये मंत्र में जब हम मंत्र का विनियोग करेंगे, जो विनियोग उसका संकल्प है उसका फल प्राप्त समाज को मिलने के लिए। क्योंकि जब वैदिक विद्वान संकल्प करते हैं तो मम नहीं बोलते हैं, अस्माकं सर्वेषां सकल कुटुंबानां सहपरिवाराणां द्विपद चतुष्पद सहितानां क्षेम स्थैर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम्। हम संकल्प हर दिन करते हैं, जब विश्व में शांति, विश्व का कल्याण करने के लिए हम जब बोलते हैं तो अस्माकम की व्याप्ति बहुत बड़ी है, यानी केवल मैं नहीं हूं, लेकिन ऐसे वैदिक विद्वान जब यह संकल्प करेंगे तो एक वैदिक जब संकल्प करेंगे तो उसके द्वारा संकल्प किया हुआ जो अनुष्ठान है वो पूरे विश्व के लिए होता है। एक वैदिक की क्षमता, एक वैदिक की सामर्थ्य इतना है, वो एक वैदिक जब विश्व के लिए एक मंत्र का पठन करेंगे, शांति सूक्त का पठन करेंगे, तो मन में, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि मंत्र के पठन के द्वारा शांति होनी ही चाहिए। लेकिन मंत्र कोई गीत नहीं है, मंत्र कोई गाना नहीं है कि कभी भी गाओ, कैसे भी गाओ, किस स्थिति में गाओ। मंत्र अध्ययन करने के लिए, मंत्र पठन के लिए और पठन के बाद उसमें सामर्थ्य होने के लिए एक विशिष्ट पद्धति से ही वेद मंत्र का अनुष्ठान करना बहुत जरूरी है। अब ऋग्वेद के बारे में, मेरा अध्ययन ऋग्वेद का हुआ है, तो ऋग्वेद में जितना मैंने अध्ययन किया है, मेरा जो अध्ययन है वो परंपरा से मेरे पिताजी के पास ही हुआ है। ऋग्वेद दशग्रंथ का अध्ययन हुआ है। यह जो ऋग्वेदी वैदिक है उसको, उनको मेरा एक नम्र निवेदन है कि आप ऋग्वेद अध्ययन के बाद ऋग्वेद के सब मंत्र जो है उनका अध्ययन जो है उसका, वो मंत्रों का विनियोग किस कारण करना है, इसके लिए ऋग्विधान का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। केवल मंत्र पठन परंपरा से करने में कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन मंत्र का विनियोग क्या है, हम इस मंत्र का अध्ययन किस लिए कर रहे हैं। वेद मंत्रों का अध्ययन और उसका अनुष्ठान व्यक्तिगत रूप से करेंगे तो बात अलग है, लेकिन समाज के लिए करेंगे तो उस मंत्र का अनुष्ठान किस कारण दिया है, किस कारण किया है। इसीलिए ऋग्वेद का बृहद ऋग्विदान नाम का ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10,552 मंत्र है, हर मंत्र का अनुष्ठान वो ऋग्विदान में दिया है। अनुष्ठान करने ही हमारा सामर्थ्य है। अनुष्ठान यानी आप मंदिर में, हमारे पाठशाला में संकल्प पूर्वक अनुष्ठान करेंगे तो विश्व में शांति भी आएगी। शांति आने के बाद विश्व में यानी हमारे देश में भी समृद्धि होनी चाहिए। इसीलिए क्या करना चाहिए, कौन से मंत्रों का विनियोग करना चाहिए, ये सब ऋग्विदान में दिया है। वेद संरक्षण के लिए अष्ट विकृति का निर्माण हुआ है। जटामाला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनाहा, ये अष्ट विकृति है, उसका निर्माण वेद मंत्रों में शुद्धता रखने के लिए। वेद मंत्रों में हम सब लोग बोलते हैं कि वेद मंत्र में कोई स्वर मात्रा का कोई फर्क नहीं होता है, ना अक्षर का होता है, ये किसी कारण होता है, ये अष्ट विकृति के कारण कोई भी वो उसमें फर्क अशुद्ध नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अष्ट विकृतियों का पाठ करने की भी एक परंपरा है। लेकिन ऋग्वेद में इतने सूक्त है देश के लिए, विश्व के लिए, हम हर वैदिक को हर दिन ऋग्वेद में एक सूक्त है, अन्न सूक्त है, उसका जप हम करेंगे तो हमारी पाठशाला भी, हमारा देश भी, पूरे विश्व में अन्न समृद्धि बन सकती है। जैसे श्री सूक्त है, वो श्री सूक्त पढ़ने के बाद हमें भी धन प्राप्त होता है, लेकिन वैदिक विद्वानों के पास सरस्वती है, इसीलिए लक्ष्मी की उनको कोई जरूरत है क्या, ऐसा प्रश्न सामने आता है, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती साथ में रहते नहीं है, ऐसी एक बात हम सुनते हैं।
तो इसीलिए श्री सूक्त का पठन करना बहुत जरूरी है। हम जब विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, हमारे अध्यापक जब पाठशाला चलाते हैं, तो कृष्ण यजुर्वेद में आवहन्ति का एक विधान है। ओम आवहन्ति वितनवाना कुर्वाणा चीरमात्मनः वासा गुंसि ममगावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशाम पशुभिः सहस्वाः। यह आवहन्ति अनुवाक का एक मंत्र है। इसमें क्या प्राप्त होता है, इसका संकल्प क्या है? आवहन्ति महामंत्रस्य महाचमस्य ऋषि महाविराट छंदः अन्नपूर्णा भगवानी भवानी देवता आम बीजम रीम शक्ति क्लौम कीलकम मम समस्त पापक्षय पुरस्सरम अन्न समृद्ध्यर्थे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे। यानी हमें विद्या भी चाहिए, धन भी चाहिए, लेकिन ये किसी लिए? ज्ञान और वैराग्य के लिए। हमारा वैदिकों का जो वैदिक विद्वान अध्ययन करते हैं, वो कोई संपत्ति के लिए अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं। अन्न किसी लिए चाहिए? ज्ञान और वैराग्य। मन में हमारे पास कितनी भी लक्ष्मी आई, कितनी भी धन आए, लेकिन मन में ये मेरा नहीं है, ये समाज के लिए है, इसका अर्थ ये है। और इसीलिए आवहन्ति का अनुष्ठान हम पाठशाला में हमें करना चाहिए। और इसका दूसरा अर्थ है कि जब हम अनुष्ठान करेंगे तो अनावृष्टि होगी भी नहीं भारत में। जब अनावृष्टि नहीं होगी तो हमें धन धान्य प्राप्त होगा, सुवृष्टि होगी तो हमें धन धान्य प्राप्त होगा। आपके यहां हमारे भारत में कई जगह बहुत बारिश होती है, कई जगह बारिश होती नहीं है। इसीलिए ऋग्वेद में पर्जन्य सूक्त है, पर्जन्य सूक्त का अनुष्ठान करना चाहिए। पर्जन्य सूक्त का अनुष्ठान करने के बाद पर्जन्य आता है, पर्जन्य तुरंत आता है, बारिश आती है। जब हम बारिश का संकल्प करते हैं तो उसके संकल्प में हम कोई व्यक्तिगत रूप मेरे जगह ही केवल बारिश प्राप्त हो ऐसा नहीं बोलते हैं। पूरे विश्व में जहां भी बारिश नहीं है वहां सुवृष्टि प्राप्त हो, इसीलिए हम पर्जन्य का मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं। रामायण में उसमें भी एक बहुत अच्छी कथा है, तो उसमें एक अनुष्ठान है, तो वो अनुष्ठान का आप जप करेंगे तो सुवृष्टि होगी। ऐसे अनेक बहुत अनुष्ठान है, वेदों में है, पुराणों में है, लेकिन एक 100-200 साल वेद मंत्रों का उपयोग केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं हो रहा है, हमारे यजमान के लिए हो रहा है। उनका कल्याण करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद हमारे संकल्प में जो हमने लिखा है सर्वारिष्ट शांत्यर्थे, उसका भी हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं, जिस प्रांत में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहां शांति चाहिए। शांति नहीं होगी तो हमारा नित्य जीवन भी हम अच्छी ढंग से चला नहीं सकते हैं। इसीलिए शांति का महत्व बहुत बड़ा है। जब मन में शांति नहीं होती है तो हम कौन सा भी संकल्प करो हमारा अनुष्ठान अच्छा नहीं होता है। वेद मंत्रों का अनुष्ठान जब हम करते हैं तो हम उसके मंत्रों का अनुष्ठान कभी कर सकते हैं? जब शांति होगी, आजू बाजू कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है, कोई झगड़ा नहीं कर रहा है, कोई किसी के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा है, तो हमारा मंत्र का अनुष्ठान अच्छी ढंग से शांति रूप से खत्म होता है। इसीलिए हमारे यहाँ हमारे हमारे देश में हमारे प्रांत में शांति की बहुत जरूरी है। और जब हमारे देश में शांति चाहिए तो विश्व में शांति चाहिए ही चाहिए। अभी मैं विद्यार्थियों को बताता हूं कि अब थोड़ा बाहर के विश्व में क्या चल रहा है, वहां की लोगों की सोच क्या है, वैदिक विद्वानों की सोच क्या है, भारत के लोगों की सोच क्या है, ये हमें उसके ऊपर पढ़ना चाहिए, नित्य अध्ययन करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। हम किसी मंत्र का अनुष्ठान करते हैं उसका संकल्प क्या है, उसका हमें अध्ययन करने के समय
उसके ऊपर गहनता से विचार करना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर मैं जब मुझे मौका मिलता है वेद मंत्र के बारे में विषय रखने का, तो मैं एक विषय रखता हूं कि वेद मंत्र में सामर्थ्य कितना है। आप मन में संदेह ही मत लाइए, आप पूर्वदत्तेषु या विद्या पूर्वदत्तेषु यद्धनम्, यानी आपका पूर्व सुकृत बहुत अच्छा है, इसीलिए तिरुपति जैसे जगह पर आप गुरु द्वारा वेदाध्ययन कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आपका पूर्व सुकृत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है कि ऐसी जगह आपको आपके माता पिता ने यहाँ भेज दिया है, ये देवस्थान ने आपको अध्ययन करने का भाग्य दिया है, आपके गुरु आपको वेद मंत्रों का पठन और पाठन कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो आपके भाग्यशाली ही है। आप मन में संदेह मत लाइए कि अध्ययन के बाद क्या करेंगे। हमारा तो शास्त्र ये कहता है अध्ययन करने के बाद हमें कल का भी नहीं सोचना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म का रक्षण आप करो, धर्म की रक्षा आपकी रक्षा करने की जिम्मेदारी है ही, लेकिन आप जो आपको विहित यानी विहित का अर्थ जो है वो आपके भाग्य के अनुसार आपको जो संधि प्राप्त हुई है उसका आप हर दिन उपासना करो, अध्ययन करो, अध्यापन करो। तो ये विद्यार्थियों को मैं बोल देता हूं कि आप जरूर अध्ययन करें, अध्ययन के बाद अध्यापन करें, क्योंकि आप जो अध्ययन कर रहे हैं ना, ये श्रेष्ठ को क्यों है, आप षटकर्म के अधिकारी है, आपको षटकर्म करने का अधिकार प्राप्त हुआ है, इसीलिए आप श्रेष्ठ है। द्विज श्रेष्ठ क्यों, आपने अध्ययन किया है, तो अध्ययन के बाद आपको अध्यापन करना बहुत जरूरी है। जब आप अध्यापन नहीं करेंगे तो उसका दोष है। विद्यारण्य महास्वामी ने किसी जगह ऐसा लिया है, ये षटकर्म में तीन कर्म और अच्छे कौन से है, जिम्मेदार कर्म, तो उसमें अध्ययन तो आपका स्वकर्म है, आपका उपनयन हुआ है, वेद रक्षा के लिए आपका उपनयन हुआ है, आप वेद रक्षण करने के लिए आपके गुरुकुल में आए हैं, तो अध्ययन करना आपका कर्म है, आपको अधिकार प्राप्त हुआ है। लेकिन विप्र के जन्म में अध्यापन का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जब हम अध्यापन नहीं करेंगे तो हम हमारे आगे जाके जब हमारा शांत हो जाएंगे तो हमें ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। इसीलिए अध्यापन करना, अध्ययन के साथ अध्यापन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप एक विद्यार्थियों को पढ़ो, 10 विद्यार्थियों को अध्यापन करो, संख्या को महत्व नहीं है, लेकिन गुरु परंपरा द्वारा हमें जो विद्या प्राप्त हुई है उसका अगले पीढ़ी में हमें दान करना बहुत जरूरी है। इसीलिए विद्यारण्य महास्वामी कहते हैं कि अध्यापन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो दोष है। अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, यानी तीन वर्णों में नित्य अग्नि उपासना है। जब हम उपनयन होता है तो उसके बाद 12 साल हम अग्नि कार्य करते हैं, और क्यों करते हैं, तो अग्नि कार्य इसीलिए करते हैं कि मैं गुरुकुल में गुरु के पास अध्ययन के लिए जा रहा हूं, तो हम पलस की समिधा अग्नि को समर्पण करते हैं और अग्नि को प्रार्थना क्या करते हैं, स्वस्ति श्रद्धाम मेधाम यश प्रज्ञाम विद्याम बुद्धिम श्रियम बलम आयुष्यं तेज आरोग्यं देहि में हव्य वाहन। मैं गुरुकुल में अध्ययन कर रहा हूं तो इस चीजों की मुझे बहुत जरूरी है। अध्ययन के लिए बुद्धि चाहिए, मेधा चाहिए, विद्या चाहिए, श्रेय चाहिए, बल चाहिए। मैं अध्ययन कर रहा हूं लेकिन अशक्त हूं, वेद करने के लिए सशक्त नहीं हूं, वो नहीं चाहिए मुझे। मेरे वेद अध्ययन करने के लिए बल चाहिए, इसीलिए स्वस्ति श्रद्धा मेधा यश चाहिए। यश क्यों, जो मुझे जो वेद मंत्र प्राप्त हो रहे हैं गुरु द्वारा उसका विनियोग मैं समाज के लिए, मेरे लिए,
देश के लिए और विश्व के लिए करने वाला हूं, इसीलिए मुझे यश चाहिए। विद्याम बुद्धिम श्रीयम बलम, आयुष्य चाहिए, यानी मुझे ज्यादा से ज्यादा अच्छी ढंग से आयुरारोग्य चाहिए। क्योंकि जब आप वेद का अध्ययन पूरे करेंगे ना, तो मैंने बोला कि हां भगवान विष्णु आपके द्वारे में क्या करते हैं कि जिसके पास वेद मंत्र गुरु परंपरा से आए हैं वो हमारे लिए काफी ऊंचे स्थान पर है। ते मंत्रा वैदिकाधीना वैदिको मम दैवतम, हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन महा भगवान विष्णु कहते हैं जिसके पास प्राप्त जिसके पास गुरु परंपरा से वेद प्राप्त हुए हैं वो मेरे लिए और ऊंचे स्थान पर है। तो हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, हम नित्य अग्नि कार्य करना चाहिए। तो इसीलिए यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, यजन याजन, हमारे लिए यजन भी करना याजन भी करना। और उसके बाद और उन्होंने तीसरा जो है दान देना और दान लेना, दान और प्रतिग्रह। प्रतिग्रह तो हमारा अधिकार ही है, हम जहां भी जाओ वैदिक जब जाते हैं तो हमारे पूरे भारत में आने वाले वैदिकों को स्वागत करके नमन करके उनको संभावना करना, ये भारत की एक बड़ी बड़ी श्रेष्ठ परंपरा है। ये हम हर जगह देखते हैं कि जब वैदिक विद्वान हमारे घर में आते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो वहां लोग हमारा स्वागत करते हैं, हमारे हमारी पाद्य पूजा करते हैं, वसंत पूजा करते हैं, और उसके बाद वस्त्र दक्षिणा सब देते हैं। ये हमारी परंपरा है, लेकिन ये तो हमारा अधिकार है। लेकिन वैदिकों को दान देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दान जो आता है ना वो गुण दोष सहित हमारे पास आता है। तो इसीलिए तीसरा जो यजन याजन दान और प्रतिग्रह, ये जो षट कर्म है वो षट कर्म का हम पालन करेंगे, और पालन करने के बाद हम जब उसका अनुष्ठान करेंगे, उसका मंत्र का विनियोग करेंगे, तो उसका जो फल है वो आएगा ही, मन में संदेह ही नहीं होना चाहिए। इसीलिए सुबह संध्या वंदन करना चाहिए, अग्नि कार्य करना चाहिए। हमारी भगवान की पूजा थोड़ी कम हो गई तो दोष नहीं है, लेकिन संध्या वंदन और पंचमहायज्ञ हमें करने ही चाहिए। क्योंकि पंचमहायज्ञ में देव ऋषि आचार्य पितृतृप्ति द्वारा, यानी ब्रह्म यज्ञ कृतज्ञता का विषय है, ये हमें करना चाहिए। और ये सब अनुष्ठान करने के बाद हम हमारी भगवान की पूजा रुद्र से हो, पवमान से हो, श्री सूक्त से हो, उस अनुष्ठान करेंगे तो और फल महत्व है। लेकिन बिना संध्या का अनुष्ठान करना उसका कोई फल नहीं है, क्योंकि सब निष्काम कर्म है। संध्या का संकल्प है ममोपात दुरित क्षय द्वारा, संध्या करने के बाद फल नहीं है, संध्या करने के बाद फल नहीं है, नहीं नहीं किया तो दोष है। इसीलिए हमारे संध्या में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, यानी सुबह तारकों का जब दर्शन होता है उसी समय सूर्य को अर्घ्य देना गायत्री मंत्र द्वारा, ये वैदिक विद्वान और हमारे जो विद्वान बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके हमारी सबकी जिम्मेदारी है। सूर्य पुराण में एक विषय आया है, सूर्य कहता है कि मेरी शक्ति, मेरा जो शक्ति है वो रहने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो वो बोलते हैं जिन्होंने वेद पढ़े हैं उनके द्वारा मुझे नित्य सुबह जैसी त्रिकाल संध्या होगी, दोनकाल संध्या होगी, तो वो केवल हमारे द्वारा सूर्य गायत्री मंत्र से अर्घ्य चाहते हैं, और वो हमारे अर्घ्य से सूर्य देवता की शक्ति बढ़ जाती है, ये सूर्य पुराण में कहा है। तो इसीलिए उत्तमो तारको पेता, इस न्याय से हमें सुबह जल्दी उठकर हमें प्रातः काल की संध्या करनी चाहिए, अग्नि कार्य करना चाहिए। तो ये ब्रह्मचारी आश्रम में जो विधि विधिवत जो अध्ययन का परंपरा है वो हमें सब करना चाहिए। मैं ये क्यों बता रहा हूं,
इसका विषय है। मंत्र कोई मामूली बाब नहीं है, मैंने पहले ही कहा है, मंत्र जो है वो शक्ति का विषय है हमारे लिए और हमारे पूरे भारत यानी विश्व के जो नागरिक है यानी जितने जीव है। जो ब्रह्म यज्ञ है ना, वो ब्रह्म यज्ञ में तर्पण करने से क्या प्राप्त होता है? जिसको हम नित्य पानी छोड़ते हैं, वो पानी द्वारा वो जिसको हम पानी देते हैं उनको उनका अन्न प्राप्त होता है। इसीलिए ब्रह्म यज्ञ की जो व्याप्ति है वो इतनी बड़ी है कि औषधि क्षेत्र औषधि वनस्पति गंधर्वा सरसस्तृप्यंतु, जितने वनस्पति है जो हमारे दवा देते हैं, हमारा आयुरारोग्य रखते हैं, उनको उनका अन्न बनने के लिए ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। ऐसी हमारी जो हमारा वैदिक धर्म है वो कहता है कि वैदिक सामर्थ्यवान होना चाहिए। जो मंत्र का अध्ययन करते हैं, वो मध्य का अध्यापन करते हैं, वो नित्य पठन करते हैं, वो ताकतवान होना चाहिए। इसीलिए वो अनुष्ठान करना बहुत जरूरी है। अनुष्ठान करने के बाद हर वेद में जो शांति मंत्र है, अस्माकं सर्वेषां संकल्प करके हम जब पठन करेंगे, जिस समय उसका विनियोग कहा है उसी समय हम अनुष्ठान करेंगे, तो विश्व में वेद मंत्र द्वारा शांति आएगी ही। और जब शांति आएगी तो हमारा नित्य जीवन सुखकार होगा। भगवान हमें बोलते हैं कि आप शांति रखो, शांति से हमें वो बल मिलता है। लेकिन शांति में शांति के लिए मंत्र पठन का जिसका अधिकार है उनको भी कोई कुछ करना चाहिए। इसीलिए जब हमारा सामर्थ्य, क्योंकि मैं बार बार जहां जहां प्रवचन करता हूं, मैं वैदिकों को विद्यार्थियों को बताता हूं कि आपने वेदाध्ययन किया है, परंपरागत वेदाध्ययन किया है, तो आपके पास प्रत्यक्ष वो जो गोमाता है कामधेनु आपके पास रहती है। ये हमारे मन में आना चाहिए। किसी से धन मांगने से नहीं मिलता है, जो हमें प्रार्थना करनी है वो कामधेनु यानी गो से करो, वो आपको सबको जितना धन धान्य है वो देगी। लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करके हम वैदिक मंत्रों का पठन करते हैं। गृहस्थ आश्रम में जब हम जाते हैं तो उसी समय भी हमें गृहयाग्नि की उपासना करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कर्म है विश्व के लिए उसमें श्रौत कर्म होता है, स्मार्त कर्म होता है। स्मार्त में जब हम विवाह होता है तो विवाह के बाद हम जब वो अग्नि का हवन करते हैं, लाया होम करते हैं, वो अग्नि हमारे घर में लाकर उसके ऊपर नित्य होम करना, सूर्याय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा, ये आहुति देकर सायंकाल की प्रार्थना करना शाम को और सुबह की प्रार्थना करना, ये हमारा काम है। मेरा ये मानना है कि जितना वैदिक मंत्रों में दूसरे के लिए है उतना कौन से भी धर्म में नहीं है। वैदिक मंत्रों में निष्काम कर्म का ज्यादा महत्व है। निष्काम कर्म यानी मेरा नहीं सबका, सभीओं का, ये वेद मंत्र कहते हैं। और इसीलिए जब हम उपयोग करेंगे तो मंत्र में सामर्थ्य होना चाहिए। इसीलिए हमें वेद ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन करके हम मंत्र का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। आज ये इस पवित्र महोत्सव पर मेरे जैसे एक छोटे वैदिक को हमारे विभीषण शर्मा जी ने यहाँ निमंत्रण दिया। मेरा सद्भाग्य है कि इस पवित्र भूमि से मेरा बहुत काम हो गया है, क्योंकि परंपरागत अनुष्ठान मैंने किया है। मैं किसी जगह परीक्षा के लिए जाता हूं तो इसी समय कोई परंपरा लुप्त हुई है, वो परंपरा कायम रखने के लिए मैंने ऋग्वेद का पुनर्मुद्रण किया। उसी कार्य के लिए बालाजी देवस्था ने, ये तिरुपति देवस्था ने विभीषण शर्मा द्वारा हमें बहुत मदद की, और इसी कारण हम ऐसे ऋग्वेद का निर्माण किया है। वो कोई परंपरा लुप्त हो गई थी, यानी ऋग्वेद में भी जो परंपरा है, परिभाषा है, सर्वानुक्रम है,
परिशिष्ट है वो सब लुप्त हो गए थे, वो हमने परंपरागत करने का प्रयास किया। इसी ये कार्य के लिए इस पवित्र देवस्थान से हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला, और वो जो हमने काम किया वो काम के कारण ही आज मुझे ये मेरे विचार रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये और क्या करना कहना चाहिए कि हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है मंत्रों की, आप कम मत समझिए। वेद मंत्र की ताकत इतनी बड़ी है, जैसे मैंने बोला शांति मंत्र है, वैसे शत्रु विनाश के लिए भी मंत्र है। हमें कोई डराता है, हमारे कार्य में कोई विघ्न लाते हैं, विघ्न सामने खड़ा करता है, तो उसी समय ऋग्वेद में मन्य सूक्त करके 14 मंत्रों का एक सूक्त है, उस मंत्र का पठन करेंगे, उस मंत्र का अनुष्ठान करेंगे, तो हमारे सामने जो विघ्न लाते हैं उनका पराजय होता है। ऐसे बहुत मंत्र है, उसका अनुष्ठान है वो। आप अनुष्ठान की जानकारी आप अपने विद्यार्थियों को दे दे कि आपको यह मैंने मंत्र पठा सीखा है उसका कितना सामर्थ्य है। मैं एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूं, पुणे में मेरा वेद भवन है, वेद भवन में 70 साल से ऋग्वेद दशक ग्रंथ की परंपरा हम सिखाते हैं, 15 साल मेरे यहाँ बच्चे रहते हैं, प्रवेश के समय वो 10 उम्र के थे, 10 के 12 के बीच में विद्यार्थी आते हैं और उनको हम अध्ययन करते हैं। वहाँ कर्मकांड का ज्यादा पठन नहीं होता है, लेकिन ऐसे पाठशालाओं में जाकर आप अध्ययन करें, अध्यापन करें, और उसके बाद हमारे प्रांत के लिए, हमारे देश के लिए, विश्व के लिए वेद मंत्रों का पठन करके आप हमारा जो कार्य भगवान द्वारा प्राप्त हुआ है वो प्राप्त करके हम ये कार्य करें। इतना विषय मैं भगवान के चरण के रख करके मैंने वारी को विराम देता हूँ। नमस्ते। व्यास स्वामीजी गारु చాలా ప్రసన్న భావమును అభివ్యక్తీకరించారు. ఆశ్చర్యం ఏమిటి అంటే వేదము చాలా పరమ ప్రమాణమని అంగీకరిస్తూ ఉన్నారు, వేదం వల్ల భగవంతునికి జరిగేటువంటి పూజాధికములన్నీ కూడా అందుతున్నాయి, ఇంతమందికే సమాజం గుర్తిస్తోంది. కానీ ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే వేద పండితుడు ఏదైతే అధ్యయనం చేస్తున్నాడో అది కేవలము తన కోసం కాదు, తన సమాజం కోసం కాదు, విశ్వం అంతటికీ ఉపకరిస్తుంది, అది కూడా కొంచెం తక్కువ మాటే అన్నారు. ఎందుకంటే శం ద్విపదే శం చతుష్పదే అని చెప్పి కేవలం మానవులకే కాదు, ఇంకా కూడా అనేక కాళ్ళు కలిగినటువంటివి అంటే అనేక ప్రస్థానములతో ఈ భూమిపై వర్తించేటువంటివి జలచరములు కేచరములు అన్నింటికీ కూడా అన్ని ప్రాణులకు కూడా అభ్యుదయం కలిగేందుకే ఈ యొక్క విశ్వ మానవ కళ్యాణానికి వేదం పరిశ్రమిస్తోంది అని చెప్పి చెప్పారు. వారు ప్రత్యేకించి ఋగ్వేదాధ్యయనం చేసినటువంటి వారు అయినప్పటికీ కూడా గత 6 సంవత్సరములుగా అన్ని వేద భాష్యములను సమగ్రంగా అధ్యయనం చేస్తూ వేద పరంపర యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియజేయడం కోసం ఆసేతు సేతనము కూడా వారు ప్రవచనాలను అందిస్తున్నారు. దానిలో ప్రధానంగా వారు ప్రతిపాదిస్తున్నది ఒకటే, అయ్యా ఈ వేదము కేవలం భరత జాతి కోసం కాదు, సమస్త మానవ జాతి కోసం, సమస్త విశ్వం కోసం ఇది ఉపకరిస్తుంది. పంచభూతాత్మకమైనటువంటి ఈ ప్రకృతి యొక్క ఉనికిని ఎప్పటికప్పుడు సుస్థిరం చేసేది వేద మంత్రములే. ఈనాడు వేదాధ్యయనం చేసినటువంటి వారు మనస్సు వాక్కు కర్మ కూడా సక్రమంగా ఉంచుకుని ధనాపేక్ష లేకుండా వారు గనక వేదాధ్యయనం చేస్తూ ఉంటే విశ్వంలో అశాంతి అనేటువంటిది ఎందుకు వస్తుంది? ఒక్కొక్కసారి ఎవరైనా మానసిక వ్యాధుల చేత కానీ లేదా సంకుచితమైనటువంటి స్వభావం చేత కానీ వేద మార్గానికి భిన్నంగా వారు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే, వారు విశ్వ మానవ కళ్యాణానికి ఉపకరించేటువంటి పనులు చేయకపోతే మా దగ్గర దానికి కూడా గుణపాఠం చెప్పడానికి ఒక శక్తి ఉన్నది, వేదముల్లోనే మన్యు సూక్తం ఉన్నది, ఇది మేము గనక దాన్ని గనక పఠించాము అని అంటే అప్పుడు వారిలో ఉండేటువంటి ఆ రాక్షస తత్వం అంతా కూడా అణగారిపోతుంది, వైదిక కర్మలకు ప్రతిబంధకంగా ఏదైతే ఉన్నదో అది తొలగిపోతుంది. అయితే
వారు సూక్ష్మంగా మరొక విషయం చెప్పారు. ఇంత శక్తి వేదముల్లో ఉన్నది అని అంటే కేవలము అది శబ్దములో లేదు, అక్షరముల్లో లేదు. ఆ అక్షరములను శబ్దములతో సంయోగించేటువంటి ఒకనక ఋషుల యొక్క యోగదానం ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఆధారపడి ఉంది. ఏదైతే హస్వము దీర్ఘము కృతములుగా మారి ఈ వేదాక్షరములకు శక్తి నింపారో అవి పాఠముల రూపంలో వచ్చాయి. మాలాపాఠం, శిఖాపాఠం, రథపాఠం, దండపాఠం, ఇలాగా అష్ట వికృతులుగా ఈ యొక్క ఋగ్వేదం ఉన్నది. ఈ ఋగ్వేద పఠనము చేత ఈ యొక్క విశ్వమునికంతా కూడా శాంతి, దాంతి, తుష్టి, పుష్టి, అభ్యుదయం కలుగుతున్నది. ఈ క్రమములన్నీ కూడా గురుముఖత అధ్యయనం చేయాలి అని చెప్పి చెప్పారు. వీటిని మరి ఆధునికంగా కొంతమంది సెల్ ఫోన్లు, టేప్ రికార్డర్ల ద్వారా వింటున్నారు. ఇది అంత సౌభాగ్యకరం కాదు. ఎందుకంటే గురువు ముందు ప్రత్యక్షంగా కూర్చుని గనక వారు వేదాధ్యయనం చేస్తూ ఉంటే వారి యొక్క స్వరంలో కానీ అక్షరాల్లో కానీ ఏదైనా తప్పు వస్తూ ఉంటే గురువు గారు దాన్ని ఎత్తి చూపించి సక్రమంగా నడిపించగలరు. అదే కనుక వారు పరోక్షంగా చేస్తూ ఉంటే వారికి తమ దోషం ఏమిటో తెలియదు. కనుక ఇది శృతి అనేటువంటి పేరుతో వేదం ఎందుకు ఉన్నది అని అంటే ఇది మౌఖికంగానే అనేక సహస్రాబ్దాలుగా ఈ యొక్క భరత భూమిపై వెలసిల్లుతూ ఉన్నది. దీని అర్థాన్ని అందరూ తెలుసుకోవాలి, దీన్ని ఇంకా ప్రచారంలోకి తీసుకురావాలి అని చెప్పి వారు సందేశం ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా తమ యొక్క వేద భవనం ద్వారా పరమ ప్రామాణికంగా వచ్చినటువంటి ఋగ్వేదము యొక్క పుస్తకమునకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు సహకారం ఇవ్వటానికి వారికి చాలా ఆనందం కలిగిందని చెప్పి ధన్యవాద సమర్పణం చేశారు. ఇయాసిస్ గురూజీ గారు ఈనాడు చెప్పినటువంటి ఉపదేశం కేవలం